अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे ठीक हो? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है, काशिफ फार्मिंग हाउसमैन। तो आज आए हैं सर एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र ठीक ठाक जी। सर आपका नाम? राशिद नाम है जी मेरा, एबटाबाद से आए हूँ। आपकी वीडियो देख के आया हूँ। जी जी सर। तो इस बिज़नेस का शौक आपकी वीडियो की वजह से ही जो है ना मेरा बना है। तो मैंने कहा देखूँ ज़रा ये काम कैसा है, तो इसलिए मुलाकात के लिए आपके पास हाज़िर हूँ। राशिद भाई, हमारे कोई इखलाक में आपको कोई प्यार मोहब्बत में कोई इसमें कोई कमी नजर आई हो? नहीं, आपसे मिल के मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। सबसे प्यारी बात जो है, कम से कम जो है ना आप लोगों ने हमें इस हवाले से सेटिस्फाई किया है कि जो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो आपने बहुत अच्छे से तरीके से दी है, और वापसी की गारंटी भी दी है आपने, वारंटी कार्ड भी दिया है। तो ये मेरे लिए बड़ी जो है सेटिस्फैक्ट्री है। हो गया माशाल्लाह। तो सर माशाल्लाह कौन से चूज़े लेके जा रहे हैं, नाजरीन को बताएं कितने दिन वाले लेके जा रहे हैं? हाँ जी, मैं 21 दिन वाले जो है ना वो 10 चूज़े लेके जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह एक महीने बाद जो है ना ये मैंने वापस करने हैं। ये 10,000 रुपये का एक चूज़ा लिया है और ये 16,000 रुपये का वापस करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, एक माह के बाद इंशाल्लाह। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मेरा नाम साकिब है, मैं भी एबटाबाद से आया हूँ। तो आपका सुने तो ये राय साहब ऐसे समझ लें मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। तो पहले मैंने कहा है कि यार ये स्टार्ट ले लें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह होपफुली आपके साथ चलते हैं। तो ये सक्सेसफुली हमारा प्लॉट हो जाए तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इससे और ज़्यादा अच्छा जितना फ्लॉग उठा सके हम उठाएँगे इंशाल्लाह। तो आपके लिए भी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला कारोबार में तरक्की दे, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। सही है, ये मैं ये कहता हूँ कि देखिए ये ऐसा काम है कि जो भी हम कोई कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिए हमें बहुत सारी एफर्ट की ज़रूरत होती है। कभी कहीं घूमना फिरना होता है, दूर दराज जाना होता है, बहुत हैक्टिक भी होता है, बंदा थक भी जाता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि इसे आप घर में रख लें तो अपना अल्लाह भी करें, नमाज भी पढ़ें, अल्लाह को भी याद करें और उनको फीड भी दें। तो जिस काम में ज़्यादा अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह को याद किया जाए तो डेफिनेटली इसमें बरकत भी पड़ जाती है। तो ये सब के लिए जो मैं कहता हूँ कि एक साथ चलें, आपको भी अल्लाह कामयाब करेगा। तो हम एक दूसरे के साथ आइसोलेट हो गए हैं, तो जहाँ पर आपकी कामयाबी है, हमारी कामयाबी है या आने वाले जो कस्टमर हैं उनकी है, तो अल्लाह करे कि हम सिंसियरिटी से ये पर लॉन्ग रन एक दूसरे के साथ चलते रहें। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह आपको भी कामयाब करे, आप हमारे लिए दुआ करें। और ये बाकी लोग को भी कहता हूँ कि जो मैं आया था, मेरा मकसद यही था कि यहाँ पे जो है ना बंदा एक्सेप्टेंस विन करता है या नहीं करता, ट्रस्ट बिल्ड होता है या नहीं होता। तो असल में इस बात के जो हम लेके जा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आप पे ट्रस्ट है, तभी हमने आपको पैसे पे किए हैं और ये लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये ट्रायल बेस पे है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जाएंगे अपने दोस्तों को बताएंगे। तो मैंने आपको कहा कि अब हम आपके राइट हैंड बनेंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह कामयाब करे और हमें भी अल्लाह कामयाब करे। हाँ जी, मसला काम क्या करते हैं सर? मैं तो बेसिकली होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। माशाल्लाह, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अर्से से। जी बस ये तो इस तरह के, ये तो वेल बंदे का काम है जी, जो कोई काम नहीं कर सकता वो कम से कम मुर्गियाँ तो पाल ही सकता है घर में। उसको तो दाना ही डालना होता है, पानी देना होता है। तो मैं कहता हूँ कि आपने जो काम शुरू किया है, पाकिस्तान में बेरोजगारी महंगाई से लोग मर रहे हैं, तो कम अज़ कम जो है ना जो बंदा भी काम करना चाहता है तो कम अज़ कम जो है ना भूख से नहीं मरेगा ये काम अगर करेगा। तो एक बेहतरीन इज्जतदार आप रोज़गार लोगों को दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हर बंदे को इसमें आना चाहिए, आपके हाथ बटाने चाहिए, आपकी सपोर्ट जो है ना करनी चाहिए उसको, और ये काम करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। ठीक हो गया। मैं भी कहूँ कि ये कहते हैं कि जो है ना बिल गेट्स है ना, वो आप जानते हैं कि बहुत ही कामयाब दुनिया का वर्ल्ड वाइड वो रिकग्नाइज बंदा है। कहते हैं कि वो उसे किसी ने कहा है कि अगर आपको लॉस हो जाए और आपका बिज़नेस टोटली ख़त्म हो जाए तो फिर आप दोबारा से कैसे उसको करेंगे? तो कहते हैं मैं मुर्गियां रख लूँगा, तो हम भी मुर्गियां रख लिए। बिल्कुल हाँ जी, अच्छी बात है। तो बहुत जो है ना मज़ा आया जी आपसे मिल के। दिखाते हैं सर के पहले, फिर इंशाल्लाह और भी बातें करते हैं आगे, बहुत आगे रह गई हैं इंशाल्लाह।
तो चूज़े दिखाते हैं सर के, इंशाल्लाह देखते हैं चूज़े इंशाल्लाह। जी सर, ये माशाल्लाह चूज़े जा रहे हैं सर के इंशाल्लाह। जब ये वापस आएंगे नेक्स्ट टाइम सीज सर के वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले इंशाल्लाह। ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला और मज़ीद इनको तरक्की दे इंशाल्लाह, ये और मज़ीद काम करें। सर हम आप इंशाल्लाह और कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों को? फिर भी नहीं, तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है जिस तरीके से बेरोज़गारी और महंगाई है ना जी, तो हर बंदा कम से कम दो चार चूज़े तो ले भी सकता है और पाल भी सकता है, तो उस वाले से कम जो पाकिस्तान में बेरोज़गारी का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हर बंदा ये काम करे, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है, ज़िंदा चीज़ों को पालना सवाब भी है और हलाल काम है, आपकी रोज़ी में हलाल रोज़ी में बरकत भी है, अल्लाह ने बरकत डाली हुई है। ये रही, हम तो वैसे ही ज़िम्मेदार घराने से हमारा तल्लक है, हमने तो जो है ना भेड़ बकरियाँ भैंसें और जो है ना ये मुर्गियाँ वगैरह हमारे घर में, तो ये आम रूटीन की चीज़ है। तो लेकिन ये एक नई चीज़ हमने देखी, हमें शौक़ बढ़ा है, तो हमने कहा चलें ऐसे भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है सर, और मैं अपने नाज़रीन से इंशाल्लाह आप तो इंशाल्लाह कहना, ये काम करना चाहिए, सबको करना चाहिए, जिस तरह ये भी माशाल्लाह हमारे दोस्त आए भाई आए इंशाल्लाह, तो ये भी कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, तो यही बिजनेस। तो सर हम चीज़ कहते होते हैं, सबके कहते हैं, आपके भी कहते हैं कि जो हम चूज़ों को टैग लगा के देते हैं वही चूज़ा आपसे लेंगे, ठीक है, वसूल करेंगे आपके। तुम्हारे चूज़े का टैग वो नहीं उतरेगा क्योंकि जो बदले उतरे वैसे भी करिए, क्योंकि टाइड हो गए या मसला को बनता है आप डॉक्टर साहब से रबता कर लें। ठीक है, अगर किसी चूज़े का मतलब ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उसका टाइड हो जाता है रिंग, आप डॉक्टर साहब से पहले टाइम से पहले ही रबता करके उनको वो कटवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद काटते हैं फिर वो आप खुद ज़िम्मेदार होते हैं। वैसे चूज़ा ये चूज़ा चूंज भी मारे ये नहीं जल्दी टूटता, इतना टाइट ये रिंग होता है। ठीक है, तो इसके जो भी होता है इंशाल्लाह आप अपना टाइम पूरा करके जो अपने टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह लेकर आए। ठीक है सर, जानवर डैडी वो अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है सर, तो इंशाल्लाह जो मैंने अगर वो एग्रीमेंट कर इंशाल्लाह उसके मुताबिक इंशाल्लाह चलेंगे। ठीक है सर, ओके सर, एग्री हैं? बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह आपके जितनी जो आपके साथ जो है ना मुआहदा हुए उसके साथ हम एग्री हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल जी, एग्री ओके सर। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।